तो आप कम पैसों में अपने स्टाइल को पहले से बेहतर करना चाहते हैं। गाइस देयर इज अ मिथ के जितने ज्यादा पैसे होंगे आपका स्टाइल उतना अच्छा होगा, बट डोंट बिलीव दैट। आपकी एक अच्छी स्टाइल की सेंस होनी चाहिए एंड यू विल रॉक एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज अली इमरान और आज वीडियो में ऐसी 5 टिप्स के बारे में बात करूंगा कि जिन पर आप एक्ट करके अपने स्टाइल को काफी कम बजट में पहले से काफी बेहतर कर सकते। तो वीडियो शुरू करने से पहले आई आस्क यू गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि आर वी जस्ट स्टार्टिंग आउट और एक एक सब्सक्राइबर इस वक्त मैटर करता है। सेकंडली आई हैव एन इंस्टाग्राम जिधर आप मेंस आउटफिट्स की काफी इंस्पिरेशन ले सकते हैं और वहां स्टाइल भी काफी इंस्पिरेशन है, तो डेफिनेटली फॉलो दैट टू। तो शुरू करते हैं। ओके, सो टिप नंबर 1 एंड द मोस्ट ऑब्वियस इज के डोंट बाय क्लोथ्स दैट यू डोंट लाइक। तो आपको काफी सिंपल लग रहा होगा लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ क्लोथ्स की आइटम्स आपको सस्ती मिल रही होती हैं, वो सेल पे होती हैं, या कुछ चीजें फ्लैशी होती हैं फॉर द टाइम बीइंग, वो आपको अच्छी लगती हैं और आप उनको ले लेते हैं, लेकिन वंस यू बाय देम आप उनको एक दो दफा पहनते हैं और फॉर द लेस ऑफ योर लाइफ टाइम वो आपके वार्डरोब में रेस्ट करते हैं। सो आप डूइंग दैट व्हेनेवर यू गो टू शॉपिंग, यार एक चीज ध्यान में रखो, बाय आइटम्स जो आप मुख्तलिफ आउटफिट्स के साथ पहन सकते हैं, लाइक अ सिंपल जींस, लाइक अ सिंपल टी शर्ट, आप काफी डिफरेंट तरीके से पहन सकते हैं। और बेशक अगर कोई चीज सस्ती मिल रही है, नेवर बाय इट इफ यू आर नॉट गोना वेयर इट। ओके, सो टिप नंबर 2 इज टू वेट फॉर द विंटर एंड समर क्लियरेंस सेल। तो शॉपिंग के लिए मैं मोस्टली साल में 2 दफा जाता हूँ, एक तब जब विंटर खत्म होता है और एक तब जब समर खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, समर खत्म होने वाला है और विंटर्स आ गया, पिछले दिनों सब ब्रांड्स ने क्लियरेंस सेल लगाई हुई थी, तो व्हाट आई डिड के मैंने अगले समर के लिए काफी ज्यादा क्लोथिंग आइटम्स ले लिए और मोस्टली उनमें से सारे 40-50% पे और कुछ आइटम्स तो 70% पे भी थी। तो अगले साल मैंने समर के लिए एक क्लोथिंग आइटम लेनी थी, अगले समर के लिए मैंने पहले ही उसी प्राइस में 2 आइटम्स ले ली। एंड सेम गोज विद द विंटर, जब विंटर खत्म होगा तो ये जो विंटर आने वाला है इसके लिए शॉपिंग मैंने पिछले विंटर के एंड में कर ली थी, तो नाउ आई एम फुल ऑन स्टॉक और काफी कम प्राइस में मुझे काफी अच्छे कपड़े मिल गए। टिप नंबर 3, स्टॉप बीइंग हेल्पलेस ऑन अल्टरेशंस। जब भी हम कोई कपड़े देते हैं और हमें प्रॉपर्ली फिट नहीं होते, हम उसको ऑल्टर कराने में इतने कंफर्टेबल नहीं होते। गाइस ट्रस्ट मी, एक महंगी क्लोथिंग आइटम का कोई फायदा नहीं अगर वो आपको प्रॉपर्ली फिट नहीं करती। ऐसे जैसे कि एक महंगी क्लोथिंग आइटम जो आपको प्रॉपर्ली फिट नहीं करती, उस पर पैसे खर्चने की बजाय एक ऐसी क्लोथिंग आइटम ले लें जो सस्ती है लेकिन वो आपको प्रॉपर्ली फिट आती है। एंड ट्रस्ट मी, यू लुक मच बेटर इन द चीप वंस एज कंपेयर टू द एक्सपेंसिव वंस दैट डू नॉट फिट यू प्रॉपर्ली। नेक्स्ट टाइम आप जो भी कपड़े खरीदें, मेक श्योर टू गिव इट टू योर टेलर, आपके घर के पास जो भी टेलर है, और अपनी बॉडी के हिसाब से उन कपड़ों को फिट करवाएं। रिमेंबर गाइस, फिट इज द किंग। एंड टिप नंबर 4, हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ शूज। सी, शूज मेक अ रियली बिग डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू आउटफिट। मैंने पहले भी बताया था कि योर शूज कैन मेक और ब्रेक योर आउटफिट। जब आप कोई आउटफिट पहनते हैं तो इट स्टार्ट्स विद योर शूज। डेफिनेटली एक अच्छे आउटफिट की फाउंडेशन शूज ही है, तो यू शुड हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ शूज। और इस बात का ध्यान रखा करें कि आप हमेशा वही शूज पहने जो आपके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बजाय ये कि वो आपके आउटफिट को और खराब करें। क्योंकि मैंने काफी लोग देखे हैं कि वो सिंपल ट्राउजर के साथ लोफर्स पहन लेते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं। इफ यू वेयरिंग ट्राउजर और सिंपल पजामा, गो फॉर जॉगर्स, और अगर आप थोड़ा सा सेमी फॉर्मल या फॉर्मल हो रहे हैं देन यू शुड गो फॉर समथिंग लाइक लोफर्स, टसल लोफर्स और ड्रेस शूज। तो एक छोटी सी एग्जांपल है, बट नेवर गो रॉन्ग विद योर शूज। एंड हियर कम्स द टिप नंबर 5 कि अगर आप कम पैसों में अपने स्टाइल को पहले से बेहतर करना चाहते हैं तो मेक श्योर यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट स्टाइल। स्टार्ट केयरिंग फॉर योर स्टाइल मोर, यार अपने स्टाइल के बारे में ख्याल रखा करो। जिस टाइम आप फ्री होते हो ट्राई लर्निंग मोर अबाउट मेन स्टाइल और आउटफिट्स, इंस्पिरेशन लिया करो यार ऑनलाइन, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने स्टाइल को पहले से काफी बेहतर होता देखोगे। जस्ट रिमेंबर 1 थिंग यार, कि जब स्टाइल पे बात आती है स्टैंड आउट करना बहुत जरूरी है, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करें, गो फॉर डिफरेंट पीसेज, न्यू पीसेज, और एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल ट्राई डिफरेंट थिंग्स यू लुक मच बेटर देन बिफोर। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप मुख्तलिफ चीजों से एक्सपेरिमेंट करेंगे यू विल नो दैट गुड स्टाइल इज नॉट इक्वल टू मोर मनी। सो गाइस दैट्स बेसिकली इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप इन 5 टिप्स पर एक्ट करते हैं तो आई डेफिनेटली शो यू कि आप काफी कम बजट में अपने स्टाइल को पहले से काफी बेहतर कर सकते हैं, व्हिच इन रिजल्ट विल मेक यू मोर अट्रैक्टिव। सो थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो, डिसलाइक इफ यू डिडंट। आज वीडियो के लिए बस इतना ही। यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, अल्लाह हाफिज़।